दोस्तों, इस वीडियो में जो तस्वीरें और वीडियो क्लिप दिखाई जाएंगी उससे हो सकता है आप विचलित हो जाएं, लेकिन बीमारी और जो इससे पीड़ित हैं वो हमारे समाज के अभिन्न हिस्सा हैं, इसलिए यह जानकारी देना जरूरी है। दोस्तों, इन बीमारियों के बारे में आप जब जानेंगे तब आप बेहद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग हैं जो ऐसी विचित्र बीमारियों से पीड़ित हैं जिन्हें देखकर आप यह कह उठेंगे कि ऐसी बीमारियां किसी को भी ना हो। मेडिकल साइंस की अभूतपूर्व प्रगति के बाद भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। पोलियोस्टेटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया। दोस्तों, इस बीमारी में शरीर में फाइब्रस टिश्यू के ओवरग्रोथ होने के कारण होता है। यह ओवरग्रोथ फाइब्रस टिश्यू अधिकतर एक से ज्यादा हड्डियों में इफेक्ट करते हैं। इस डिसऑर्डर में हड्डियों की जगह फाइब्रस टिश्यू ले लेते हैं, जिसके कारण शरीर में कमजोर हड्डियों का निर्माण होता है। अगर यह ओवरग्रोथ फाइब्रस टिश्यू लंबी हड्डियों में होता है तो यह सबसे ज्यादा व्यक्ति के चेहरे पर इफेक्ट करता है, मतलब ये कि इसके कारण चेहरे की हुलिया ही बिगड़ जाती है। प्रोजेरिया। दोस्तों, यह एक ऐसा रोग है जिसमें कम उम्र के बच्चों में भी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। यह बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसे हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। प्रोजेरिया के साथ पैदा होने वाले लोग आमतौर पर अपने किशोरावस्था में लगभग 20 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। यह बीमारी जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण होती है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रहते हैं। एपिडर्मोडाइसप्लासिया। यह दुनिया की सबसे अजीब बीमारी है। ये एक तरह से रेयर जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर है। इसे ट्री मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह बीमारी इतनी रेयर है कि पूरी दुनिया में इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या मात्र 6 है। इस बीमारी में व्यक्ति के हाथ पैर में पेड़ जैसी उगने वाली आकृति बनती है। जिस तरह सामान्य व्यक्तियों में त्वचा पर बहुत छोटे रेशे यानी बाल होते हैं, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के त्वचा पर पेड़ की छाल जैसी संरचनाएं उगने लगती है। नोमा डिसीज। दोस्तों, नोमा डिसीज बहुत तेजी से और खतरनाक तरीके से मुंह और चेहरे पे फैलती है। यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। यह अधिकतर उन बच्चों को होती है जो कुपोषण के शिकार होते हैं। अफ्रीका के सहारा के इलाकों में यह बीमारी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इस इलाकों में पौष्टिक भोजन और साफ पानी की कमी है। डायप्रोसोपस। दोस्तों, डायप्रोसोपस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है डुप्लीकेशन ऑफ फेस, यानी कि चेहरे का डबल होना। यह बीमारी प्रति 15 लाख में किसी एक को होती है। इस बीमारी का मुख्य कारण यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते में एम्ब्रियो में कुछ गड़बड़ी होने के कारण यह बीमारी बच्चे में हो जाती है। हेमंजियोमा। दोस्तों, यह एक प्रकार का चमकदार लाल रंग का बर्थमार्क होता है जो कि बच्चे के पैदा होने के एक या दो हफ्ते में आता है। यह दिखने में एक रबर नुमा बॉल की तरह होता है जो कि स्किन के एक्स्ट्रा ब्लड वेसल के कारण बनता है। हेमंजियोमा शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यह फेस, स्कैल्प या छाती पर होती है। हाइड्रोसेफालस। मस्तिष्क में पानी जमा होने की स्थिति को दिमाग में पानी भर जाना या जलशीर्ष कहा जाता है। मस्तिष्क में अधिक पानी जमा होने से दबाव बढ़ जाता है जिससे मस्तिष्क डैमेज हो जाता है। यह बीमारी आमतौर पर तब होती है जब मस्तिष्क में पानी अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है या फिर पानी अत्यधिक मात्रा में बनने लगता है। यह बीमारी बच्चों और युवाओं को किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को होती है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। यह बीमारी दिमाग और नर्व टिश्यू में ट्यूमर बनने के कारण होती है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी में जो ट्यूमर बनता है यह नॉन कैंसरस होता है। ट्यूमर बनने के कारण शरीर में भूरे रंग के स्पॉट्स पड़ते हैं। इस बीमारी में एबनॉर्मल बोन का विकास होता है जिसके कारण स्पाइन और लोअर बॉडी में पेन होता है। वेयरवॉल्फ सिंड्रोम। इस कंडीशन में व्यक्ति के शरीर में हेयर की ओवरग्रोथ होती है। यह बीमारी शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। यह बीमारी किस वजह से होती है यह अभी तक नहीं पता चल सका है। इस बीमारी में हेयर ग्रोथ करने वाले जीन्स का दोबारा एक्टिवेट होने से हेयर की ओवर ग्रोथ होती है। क्यूटानियस हॉर्न। दोस्तों, इस बीमारी में स्किन से कोन आकार के आकृतियां बनती है। यह बीमारी स्किन के एपिडर्मिस के खराब होने के कारण होती है। यह बीमारी अधिकतर उन युवाओं को होती है जो धूप में ज्यादा समय बिताते हैं। कभी कभी ये कोन शेप्ड के चकत्ते से कैंसर भी हो जाता है।
दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी लाइलाज बीमारियों के बारे में बताए हैं जो इंसान को विकृत कर देती है। हालांकि यह रोग बहुत दुर्लभ होते हैं और लाखों लोगों में किसी एक को ही होते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।